नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में पल पल बदलाव नजर आ रहे हैं और बेंगलोर में ठहरे 22 विधायकों के अभी भी वापस लौटने के कोई संदेश नहीं है। विधायक मनोज चौधरी ने एक वीडियो भेजकर किसी भी परिजन को कहा है कि उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं और CRPF की सुरक्षा जैसे ही उन्हें मिल जाएगी वो भोपाल लौट आएंगे। ऐसा उन्होंने दरअसल इसलिए किया है क्योंकि बेंगलोर में मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह ने विधायकों से संपर्क करने का प्रयास किया था और उस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी भी साथ में मौजूद थे और जिसके बाद पुलिस से शिकायत कर मनोज चौधरी से मिलवाने की बात नारायण चौधरी ने की थी, जिसके बाद वीडियो संदेश जारी करके विधायक मनोज चौधरी ने कहा है कि वो उनके लिए किसी को भी अधिकृत नहीं करते हैं शिकायत करने के लिए और जैसे ही उन्हें CRPF की सुरक्षा मिलती है वो मध्य प्रदेश आ जाएंगे। अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि आगे सियासत क्या नए गुल खिलाती है। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मनोज चौधरी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 172, हाट पिपलिया, जिला देवास, मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे चुका हूँ माननीय स्पीकर महोदय को, राज्यपाल जी को। मैं मध्य प्रदेश आना चाहता था, अभी वर्तमान में बेंगलोर रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति बन रही है, हमने CRPF की सुरक्षा मांगी थी क्योंकि हम यहाँ भी किसी के बंधन में नहीं हैं और वहाँ भी किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते हैं। व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं राज्यपाल जी से, स्पीकर जी से, पर सुरक्षा की दृष्टि से हमने CRPF की सुरक्षा की मांग की थी, अभी तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिजनों द्वारा वहाँ पर पुलिस से शिकायत करवाई जाएगी और मुझे रोकने का प्रयास किया जाएगा। मैं किसी भी परिजन को इस मामले में शिकायत करने के लिए, मेरे खिलाफ या मुझे बंधक बनाए जाने या दूसरे किसी भी प्रकार की शिकायत करने के लिए अधिकृत नहीं करता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि मैं स्वतंत्र रूप से स्पीकर महोदय से, माननीय राज्यपाल जी से मिल लूं। आने वाले समय में जब भी मुझे CRPF की सुरक्षा मिल जाएगी तब मैं मध्य प्रदेश में आकर CRPF सुरक्षा के साथ में उनसे मिलूंगा। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।